हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 13। 7342 का आपको निकालना है क्यूब रूट बाय यूजिंग क्यूब रूट टेबल। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको यदि फैक्टराइज करते हैं आप तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा जो जिसका ट्रिपलेट बन सके। इसीलिए आप हमेशा चेक कर लेंगे पहले पहले कि ट्रिपलेट बन रहा है या नहीं। तो नहीं बन रहा होगा तो क्या करना है कि देखना है कि 1 से 100 के बीच में ये है कि नहीं। तो 1 से 100 के बीच में बिल्कुल नहीं है, तो हमें जो इसके लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उसको 00 लेकर के 7300 और 7400 के बीच में इसको लेकर के सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ करना है आपको यूनिटरी मेथड। समझिए कैसे करते हैं हम यहाँ पर। तो मैं लिख लेंगे कि सिंस हम जानते हैं यहाँ पर कि जो क्यूब रूट होगा इसका वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे 7300 का क्यूब रूट क्या होगा यूजिंग क्यूब रूट टेबल। तो हम देखेंगे यहाँ पर 7300, देखिए 73 वाले रो में और 100x वाले कॉलम में देखेंगे तो 7300 का निकल जाएगा, देखिए 19.40 और 74 का मिला है 19.49, ठीक है। तो 19.49 माइनस 19.40 यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये लाई करती है 19.4 और 19.49 के बीच में, लेकिन कौन सी वैल्यू होगी ये कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हम फाइंड करेंगे प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7300 का जो क्यूब रूट आया है वो आया है 19.40 और 7400 का आया है क्यूब रूट 19.49। तो ये जो क्यूब रूट आए हैं इन दो नंबर्स का, तो इन जो दो नंबर्स में डिफरेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इनके क्यूब रूट्स के, इनके रिस्पेक्टिव क्यूब रूट्स के डिफरेंस के। मतलब कि 7300 7400 में क्या डिफरेंस है, 100 डिफरेंस है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 100 का डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ 100 प्रोड्यूसेस कितना, इन दोनों का जो बीच में डिफरेंस होगा कितना होगा 19.49 माइनस 19.40, इतना डिफरेंस होगा। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा आपको 100 का डिफरेंस यदि रहता है नंबर्स के बीच में तो आपको यहाँ पर क्यूब रूट्स के डिफरेंस जो मिलेगा वो आपको मिलता है यहाँ पर 0.09, ठीक है। लेकिन आपको निकालना कितना है, आपको निकालना है 42 का डिफरेंस जब रहेगा तब कितना होगा। तो ये 100 का डिफरेंस हमने निकाला, अब 42 का निकालने के लिए आपको लगाना होगा यूनिटरी मेथड। और यहाँ से आप निकालेंगे पहले कि 1 का डिफरेंस जब रहेगा तो आएगा आपका 0.09 होल अपान 100, ये 1 का डिफरेंस है। तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 से, तो आपका आ जाएगा 42 का डिफरेंस मीन्स 0.09 होल अपान 100 मल्टीप्लाइड बाई 42, ठीक है, 0378, ओके। अब इसी को बस ऐड कर देंगे यहाँ पर इस नंबर में तो आपको मिल जाएगा 7342 का क्यूब रूट। मीन्स अब करना क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं, सो क्यूब रूट ऑफ 7342 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7300 प्लस दिस नंबर, ओके 0.0378 मीन्स आपका वैल्यू मिल जाएगा। देखिए 7300 का जो क्यूब रूट था वो 19.40 है, यहाँ लिख लेंगे 19. तो हमारा आ गया 19.4378, लेकिन हमको निकालना है केवल 3 डिजिट तक, 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है आपको। इसको राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो मिल जाएगा आपको 19.438, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो फोर्थ प्लेस का डिजिट है, ठीक है, वो 5 से ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको राउंडिंग अप जो करेंगे तो 7 की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 133100। तो इसका हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम क्यूब रूट निकालते हैं 133100 का, तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। 1331 जो यहाँ पर है, ये नंबर लिखा हुआ है 00 को छोड़ करके, ये एक परफेक्ट क्यूब है, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे 2 भागों में। मीन्स इतना इक्वल टू लिख देंगे पहले क्यूब रूट ऑफ 1331 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 100, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इसका क्यूब रूट को पता है कितना होता है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू मिल जाएगी 11 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर जो क्यूब रूट निकालना है आपको 100 का वो आप टेबल से निकालेंगे। तो टेबल का देख लेते हैं, यहाँ पर यूज कर लेते हैं। देखिए टेबल में आप 100 कैसे निकालेंगे, देखिए 1 ये 1 वाले रो में
और 100x वाले कॉलम में नीचे जाएंगे आप तो 4.642 जो मिल रहा है यही आपका है 100 का, क्योंकि ये x की जगह पर यदि आप 1 रखते हैं तो 100 ही आएगा, 4.642। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिलेगा आपको 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10 का 0, 1 कैरी ओवर एंड 6, 4, 10, 1, 11 का 1, 1 कैरी ओवर एंड 4, 1, 5। तो यहाँ से आप 3 डिजिट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51.062। तो 51.062 आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 करते हैं, 37,800। यहाँ पर पहले आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएंगे प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा, मतलब 5 का नहीं बन रहा और 7 का नहीं बन रहा है। तो करना क्या है कि 5 का जो नहीं बन रहा और 7 का नहीं बन रहा है, इन तीनों का अलग अलग आप क्यूब रूट नहीं निकालेंगे बल्कि एक ही में मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको और आपको मिल जाएगा 175। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार फिर से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 7। आप यहाँ देख रहे हैं कि इनका ट्रिपलेट बन रहा है और इसका बन रहा है, तो इनको हम बाहर निकाल सकते हैं क्यूब रूट से, मतलब 2 × 3 कर सकते हैं इनटू, ये जो बाहर नहीं निकल पाएगा इसका एक ही में मल्टीप्लाई करके हम क्यूब रूट में रख लेंगे। मींस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 175। तो 175, ठीक है। अब इसका हम अलग से निकाल करके यहाँ रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं। तो 175 का अलग से निकालना पड़ेगा, तो सिंस हम जानते हैं कि 175 जो है ग्रेटर होता है 170 से और लेस होता है 180 से, ठीक है। अब हमें क्या करना क्या है कि यहाँ पर क्यूब रूट निकाल लेना है तीनों तरफ 170। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमें निकालना पड़ेगा 170 का 180 का, तो हम चलते हैं 17 के टेबल में, ठीक है, 17 के रो में और 10x के कॉलम में। 17 आपको मिलेगा यहाँ, ओके यहाँ मिल गया, देखिए 17 यहाँ मिला है आपको, 17 के 10x वाले कॉलम में जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें 170 का निकालना है ना। तो ये आपका एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू है आपकी ये 18, ठीक है। तो 5.540, तो हमने यहाँ पर क्यूब रूट ये देख लिया कि ये जो इसका क्यूब रूट है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है ना इसके कितना होगा। तो करना क्या है कि यहाँ पर देखना है कि जो नंबर्स का यहाँ पे क्यूब रूट हम निकाले हैं, 170 का क्यूब रूट है 5.540 और 180 का क्यूब रूट है 5.646। तो 170 और 180 के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 है, तो 10 का डिफरेंस, मैंने 10 का यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंस, 10 का जो डिफरेंस है नंबर्स में, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहा है जो क्यूब रूट्स का डिफरेंस है उसमें कितना कर रहा है, 5.646 माइनस 5.540। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा उतना मतलब डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है 10 का डिफरेंस नंबर्स में रहता है तो, लेकिन हमें बस निकालना है 5 का डिफरेंस, है ना। देखिए यहाँ पे 170 में यदि 5 ऐड करेंगे तो 175 आ जाएगा, तो केवल 5 का डिफरेंस यहाँ पर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर पहले निकालना पड़ेगा आपको 1 का डिफरेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1 का डिफरेंस यदि निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 0.106 में डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है, ये तो डिफरेंस करने पर आया था और यहाँ पर 10 से डिवाइड किए तो 1 आ गया, यहाँ पर 10 से करना पड़ेगा, मीन्स इतना आ गया। अब हमें निकालना है 5 का, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड्स में, तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 5 ही आएगा ना, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या मिलेगा, 0.106 अपॉन 10 इंटू 5, 5 × 5, 5 × 10, 2 से घटा लेंगे, ये मिलेगा आपको 0.0 2 × 5 × 10, 2 × 3 × 6, तो 0.053 मिल गया। सो क्यूब रूट ऑफ 175 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 170, ठीक है। 170 का जो भी क्यूब रूट होगा उसमें हम ऐड कर देंगे यदि इसकी वैल्यू 0.053 की, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 175 का। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 में यदि 5 ऐड करोगे तो 175 आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 के डिफरेंस से, 5 का डिफरेंस होने पर जो क्यूब रूट में डिफरेंस होता है वो हमने निकाल लिया है। जब क्यूब रूट में जो डिफरेंस होता है वो निकाल लिया 5 के डिफरेंस में जो कि नंबर में होगा, तो उसको ऐड करने पर बिल्कुल मिल जाएगा हमें। तो यही मतलब प्रोसेस है, यही मेथड है, ऐसे ही करना होगा आपको। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो पता ही है कितना है, 5.540 रख लेंगे, 5.540 प्लस ये हो जाएगा 0.053, दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए 30 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 54 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 05 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा पॉइंट, और ये 5 को 5 ही रखने दीजिए, मीन्स 5.593 आ गया आपका क्यूब रूट ऑफ दिस मच।
अब यहाँ पर रख देंगे वैल्यू को, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3 + 6 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई दिस मच, मतलब 5.593। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 × 3 = 18 का 8। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 3 डेसिमल प्लेस पर, आपको मिल जाएगा 33.558। ओके, और 3 डेसिमल पॉइंट तक निकालना भी था, तो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट।